एक दिन वीर अपने कमरे में बैठा होता है, तभी वहां पर वीर के दादाजी आ जाते हैं और वीर से बोलते हैं, बेटा वीर, मैंने देखा तुम्हारी दोस्त इमली को मैडमैक्स उठा कर ले गया, तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए। क्या दादाजी, मैडमैक्स इमली को ले गया? रुको, मैं अभी जाता हूँ, जब तक आप लिटिल सिंघम का फोन लगा दो, मैं रास्ते में से उसे भी ले लूंगा अपने साथ। फिर दादाजी वीर का फोन लेकर लिटिल सिंघम का कॉल लगाने लगते हैं, जब तक वीर अपना रोबो सूट ऑन कर वहां से निकल जाता है। एक तरफ लिटिल सिंघम वीर का इंतजार कर रहा था, तभी वहां पर वीर आ जाता है। फिर लिटिल सिंघम वीर की पीठ पर बैठकर वहां से निकल जाता है। मैडमैक्स अपनी लैब में खड़ा होता है, तभी वहां पर वीर और लिटिल सिंघम आ जाते हैं। तभी वीर मैडमैक्स से बोलता है, ओए मैडमैक्स, मेरी दोस्त इमली को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी दोस्त इमली मेरे यहाँ तो नहीं है, वो तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा, कहाँ है तुम्हारी दोस्त। अरे वीर, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा, अपन को उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो वीर। फिर लिटिल सिंघम और वीर मैडमैक्स को पंच करने लगते हैं। दोस्तों, क्या वीर अपनी दोस्त इमली को बचा पाएगा? अगर इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।